अरवी के कटलेट बनाने के लिए हमने ये अरवी को लेके प्लेन इसको हमने बॉईल कर लिया, कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया है। हाँ। और इसको करना ये कि आपने इसको छिलका उतारे बगैर बॉईल करना है, वरना वो अच्छा, ये कि वो लेस हो जाएगा, लेस वगैरह हो जाएगी। इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, फोक से चेक करके ठंडा करके। हाँ। और हमने इसको पील अप कर लिया। तो फिर बाद में छिलका उतारे? छिलका बाद में उतारे। ठीक है, जैसे आलू अक्सर लोग करते हैं छिलके के साथ बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ा। हाँ, ये अच्छा, तो फिर लेस नहीं करेगा। ठीक है, क्या दूँ चम्मच? ये तकरीबन हाफ के जी अरवी थी जिसको हमने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब ये हमारे पास सूखा धनिया है जिसको हमने पाउडर नहीं करना है। अच्छा, ये हमने कूट लेना है। ठीक है, सूखा धनिया। ये तकरीबन एक टेबल स्पून ये डाल देंगे। जीरा है, ये भी कुटा हुआ है। सही है। एक या हाफ टी स्पून, हाफ टेबल स्पून ये डाल दें। थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने के लिए, चटपटे अच्छे लगते हैं क्योंकि अरवी बिल्कुल फीकी सी होगी तो वो हाँ। इतना वो नहीं, तो एक चम्मच इसके अंदर आप चाट मसाला ऐड। चाट मसाला, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास काली मिर्च है पाउडर, ये जाएगा हाफ टी स्पून, ये ऐड करेंगे। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। सही है। इसके साथ ही हमारे पास कुटी हुई अदरक है। अच्छा, पेस्ट ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, हमने ये चॉप किया हुआ है, या आप कूट लें या वो कर लें। सही है। इसका एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये कच्चा कच्चा तो नहीं आएगा मुंह में? कच्चा कच्चा थोड़ा आएगा, आएगा ना। और अगर आप ये नहीं चाहते तो हम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर डाल लें, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना इसके साथ अच्छा आता है। थोड़ा भुनाई कर लें थोड़ी सी, और नहीं नहीं इसको डालना कच्चा ही है। कच्चा ही डालना, कच्चा ही खाएं मुंह में। कच्चा ही। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें हमने लहसुन ऐड कर दिया। ठीक है। हरी मिर्चें हैं, ये आप जितनी चाहे डाल लें। ठीक है, ठीक है, जितना आपको स्पाइसेस पसंद है वो ऐड करें। अच्छा, इसके अलावा ये धनिया और पुदीना है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा चॉप करना है। आपको चॉप करना है? मैं तो छुरी देती हूँ, ले लीजिए। हरा मसाला जितना भी आप मतलब डालें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करने के लिए हमारे पास सूरी की सॉसेस भी हैं। वो भी जाएंगी, वो भी जाएंगी। मैं इसके अंदर हॉट सॉस जाएगी, हॉट चिली सॉस और टेरियाकी सॉस। ठीक है जी, ये सराचा है और ये बारबेक्यू सॉस, ये चाहिए आपको? नहीं नहीं, कौन सी चाहिए? मुझे ये सराचा सॉस चाहिए और हॉट सॉस चाहिए, और चिली सॉस। ठहरे, मैं देखती हूँ इनकी। मार्केट में आपको मिल जाएगी सारी रेंज। यहाँ पर भी हमारे पास टेमरिंड है, सूरी स्वीट सॉस है, सराचा तो हमने खोल ली है। आई थिंक ये डाल लेते हैं, स्वीट चिली सॉस चलेगा? डाल दें, दे दो, ये चलेगा। इसको मैं खोल लेती हूँ। अच्छा जी, सूरी थाईलैंड का ब्रांड है, बहुत अरसे से हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसकी जो सॉसेज हैं वो चल रही हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। मसाला चैनल पर आपने शिरीन आपा को देखा, हमारे तमाम शोज़ पर इसकी सॉसेस चल रही हैं, बहुत सारी रेसिपीज सिखाई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको हर जगह पर मिल जाती हैं। ये छुरी से काटते हैं। धनिया पुदीना आपकी चॉइस है, ज़्यादा ऐड करना चाहें ज़्यादा कर लें। हाँ। कम अगर आपको चाहिए, लेकिन इसमें यह कि हरा मसाला जो है वो अच्छा लगता है ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो। अच्छा, अच्छी पैकिंग हुई है भाई, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा जी, ये सराचा सॉस है, ये तकरीबन एक टेबल स्पून ये ऐड करें। ठीक है, एक थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा और फ्लेवर भी अच्छा सा चटपटा सा आ जाएगा, स्वीट एंड चिली। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वैसे अरवी के कटलेट, अरवी के पैटी कभी खाए नहीं है? बिल्कुल। आप मतलब आप लोग बनाते होंगे? हाँ जी, बनते हैं, ये अच्छे अच्छे बनते हैं। हाँ। वैसे जैसे अरवी आप लोग नहीं पसंद करते लोग। हाँ। लेकिन जब ये खाएंगे तो थोड़ा स्पाइसी चटपटे बड़े मज़े के लगते हैं। हाँ, मैंने कभी खाया ही नहीं। वैसे मैं अरवी वैसे पसंद तो खैर मैं खाती नहीं आज, लेकिन ये मैं चखूंगी ज़रूर। हाँ, और क्या, ये अंडा क्रम के साथ होगा ना, तो थोड़ा कटलेट स्टाइल में होगा। हाँ। अच्छा, ये इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम एक से दो टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर की ऐड करेंगे। ठीक है। वैसे ना
बच्चों को भी दे सकते हैं थोड़ा सा चीट करके कि थोड़ा आलू भी डाल दें उसमें, आज भी इसको रखना है ना, आलू के साथ अरवी मिक्स करके दे दो तो पता नहीं चलेगा। ये पुलाव जो है हमारा दम वाली उसकी कंडीशन पे आ गया। हाँ अब इसको हम हल्की आँच पर दम दे दें। चलो अच्छा आगे इसके बंद हो गई, इसके बंद हो गई, नहीं नहीं हाँ अच्छा मैं खोल देती हूँ। अच्छा जी ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 हाँ। टेबल स्पून ये इसके अंदर आप ऐड बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग ठीक है। सारे मसाले फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से डाल लें, सॉसेस डाल लें, सूरी की जो फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल लें, प्लस हरा धनिया, हरी मिर्चें, स्पाइसेस अकॉर्डिंगली आपको जैसे ज़्यादा तेज़ पसंद है तेज़ डाल लें, कम पसंद है मर्जी आपकी। सही है। और वही अंडा क्रम्ब लगा के, अंडा नहीं लगाएंगे इसको, क्रम्ब्स डायरेक्ट लग जाएंगे क्योंकि ये स्टिकी हुआ है। अच्छा जी क्रम्ब्स हमारे पास यहाँ पर अंकल शेफ के ब्रेड क्रम्ब्स हैं जो हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो ये हम काल लेते हैं, प्लेट है ना जी। जंबो साइज है ये भी, सूरी का ही प्रोडक्ट है अंकल शेफ। और सूरी की अच्छी बात ये है कि हर सुपरमार्केट में ज़्यादातर आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, सॉसेस मिल जाएंगी, बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी फ्लेवर्स की। अब सॉसेस बनाना, डिप्स बनाना बहुत आसान कर दिया सूरी ने। अच्छा जी अब कटलेट्स की शेप देखें एंड फ्राई। हाँ जी उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, पूरिया जो है वो पुलाव रेडी कर चुकी हैं, सिर्फ दम पर है। जैसे ही चावल बिल्कुल हो जाएंगे डन तो मैं टेस्ट करके बताऊंगी। अच्छा कटलेट्स देख लें, इजीली हैंडल हो रहे हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक तो कॉर्नफ्लोर बनाने के लिए हम थोड़ा सा ना ऑयल लगाएंगे हाथ पे, क्योंकि स्टिकी होता है वरना चिपकेगा। ठीक है, और साथ में आपने सिर्फ ब्रेड क्रम्स, नो एग। और ब्रेड क्रम्स हम यूज़ कर रहे हैं अंकल शेफ के, बेहतरीन क्वालिटी के हैं ये और मुख्तलिफ़ साइज़ में, प्लस हमने ये जम्बो पैक लिया हुआ है क्योंकि आपको पता है फूड चैनल है, इस्तेमाल होता रहता है। बट ये कि क्रम्स अच्छे हों, फ्रेश हों, तो फिर आपकी चीज़ भी बहुत अच्छे से बनती है। अच्छा जी ये आप बना रही हैं और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, बस चलो इसको हम डीप फ्राई करेंगे, क्रम्स लगा रहे हैं तो इस वजह से डीप फ्राई होगा। अरवी के कटलेट मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में खाए हैं, शायद आप तो बनाती रही होंगी, आपने भी कभी नहीं खाए होंगे। अच्छा इसको लग रहा है कि अरवी खा रहे हैं, स्टिकी स्टिकी है, आप चाहें तो इसको हाफ आलू करके तो वो और ज़्यादा फ़ायदा अगर आप लेना चाहते हैं। अच्छा मेरे मुंह में अदरक आ गई, तो मैं जैसे अदरक नहीं पसंद करती या लहसुन ऐसा कच्चा नहीं, तो थोड़ा सा हम सौते करके, नहीं तो पाउडर डाल लें, आप सीजनिंग तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बने मज़े के, जायका बहुत अच्छा आ रहा है इसका जिंजर के साथ और उसका।